keep on experimenting and I keep on exploring. जो एक मैं समझती हूँ कि जो मेरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया ना, वो किया मेरी क्यूरियोसिटी ने कि टू लर्न मोर एंड टू नो मोर. एक मैन होता है, यू नो, देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी, तो अगर उसके पास वो 20% स्किल्स भी होंगे ना, तो ही विल गो एंड अप्लाई फॉर इट, यू नो. बट अगर इफ इट्स अ वुमेन, तो अगर हम 80% भी उस सारे क्राइटेरिया को मैच कर रहे होंगे, तो वी कीप थिंकिंग ऑन दैट कि जब तक वो हम 100% ना हो जाएंगे, यू नो, आई हैव द, यू नो, इनफ एक्सपीरियंस, क्या मेरे पास वो सारी स्किल सेट है, क्या होगा क्या नहीं होगा. वी एज वुमेन ओवर थिंक एंड वी ओवर डाउट ऑन आवर सेल्व्स एंड वी ऑलवेज लुक फॉर वैलिडेशन. इट्स ऑल इन योर माइंड. आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं विद हार्ड वर्क एंड विद द राइट एटीट्यूड. अस्सलाम वालेकुम. और तहमीना जो हैं आज हमारे साथ हैं, और सब जो हैं शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से वो बताते, मुझे आजकल जमाना है ना इंस्टेंट सक्सेस का, कि क्या करें कि अचानक तो नहीं, लेकिन हम जल्दी से बहुत ज़बरदस्त मेंटोर बन जाएं, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस प्रोफेशनल बन जाएं. और आपके इतने ज़्यादा हैट्स हैं. और एक और खास बात यह है कि तीन माशाल्लाह 3 बच्चों के साथ, क्योंकि वो जो टिपिकल एक होता है ना कि आदमी बहुत सारा काम करते हैं लेकिन उनको अक्सर ये वाले काम नहीं करने पड़ते, तो ये जरा अपनी जो कहानी है, अमेजिंग जो आपकी जर्नी है जो अभी जारी है लेकिन यहाँ तक आप पहुंची हैं आज, तो उसके पीछे क्या राज था, क्या मोटिवेशन थी? सबसे पहले तो यही मजे की बात है कि देयर इज नो शॉर्टकट. मतलब कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि हम ये सोचे ना कि, मतलब अब बल्कि आजकल के वक्त में तो इस तरह होने लगा है कि, यू नो, आपको रातों रात, यू नो, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, यू नो, चीज वायरल हो जाती है और आपके एकदम से, यू नो, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन जाते हैं. मगर ये कि जो मेरी स्टोरी है उसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस और फोकस्ड. जैसे एक जो बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने कही ना कि क्या सोचा क्या किया, तो यू नो, जब मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि जब मैं यंग थी, बल्कि मैं अपने बच्चों से भी यही बात कर रही होती हूँ, तो उस वक्त भी, मतलब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड है ना, ये तो आजकल फैशन में आया और यू नो इट्स अ फैंसी वर्ड, तो जब एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलाती थी और ये कितना फैंसी वर्ड नहीं था उस वक्त, शायद मुझे स्पेल भी करना इसको नहीं आता हो, मगर उसके बावजूद आई ऑलवेज बीन एन एंटरप्रेन्योर ऑल माय लाइफ. और जब बहुत यंग भी थी तो उस वक्त भी, यू नो, आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये अभी नहीं, हमेशा से, कि ये भी करना है तो वो भी करना है. एंड आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. जो एक मैं समझती हूँ कि जो मेरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया ना, वो किया मेरी क्यूरियोसिटी ने कि टू लर्न मोर एंड टू नो मोर. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. और फिर दूसरी बात ये कि, यू नो, टू चैलेंज माई सेल्फ. जैसे एक होता है ना कि जो अक्सर जब, क्योंकि मैं मोस्टली ख्वातीन के साथ काम कर रही होती हूँ, तो उसमें ये चीज बड़ी आती है और हम देखते भी हैं, जो अनकॉन्शियस बाइस होता है. तो क्या होता है कि, यू नो, एक जो एक व्हाट आई, यू नो, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ओपिनियन, मैं कोई वो नहीं कर रही इस चीज को क्लेम, कि एक जो एक आदमी होता है, जो एक मेन होता है, यू नो, देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी, तो अगर उसके पास वो 20% स्किल्स भी होंगे ना, तो ही विल गो एंड अप्लाई फॉर इट, यू नो. बट अगर इफ इट्स अ वुमेन, तो अगर हम 80% भी उस सारे क्राइटेरिया को मैच कर रहे होंगे, तो वी कीप थिंकिंग ऑन दैट कि जब तक वो हम 100% ना हो जाएंगे, यू नो, आई हैव द, यू नो, इनफ एक्सपीरियंस, क्या मेरे पास वो सारी स्किल सेट है, क्या होगा क्या नहीं होगा. We as women overthink and we over doubt on ourselves and we always look for validation. ये, you know, जब हम तैयार भी होते हैं तो कोई तारीफ कर दे कि कैसी लग रही हो, क्या है, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ना, तो that, you know, बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि it's an informal chat, तो मैं कोई वो बड़े बड़े, you know, words नहीं बोलना चाह रही, मैं इसको informal रखना चाह रही हूँ. और मैं वही बात कर रही हूँ कि जो आपका mindset होता है ना, that plays a very important role in your whole journey of success, जो भी आप करना चाहते हैं. And believe you me, मैं तो हमेशा सबको यही कहती हूँ, जो मेरी mentees भी हैं, जो startup में काम भी करती हूँ, कि it's all in your mind. आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं with hard work and with the right attitude. कि अगर आपको, यू नो, नो वन नोज एवरीथिंग,
मगर आप जान सकते हैं, यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव, और जो आपको नहीं आता वो आप सीख सकते हैं। दैट्स द की ऑनेस्टली, कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट वेरी सिंपल। ये बड़े मजे की बात है कि अक्सर जो है ना हम आदि हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों के, तो जो सिंपल सॉल्यूशंस है तो हमें लगता है नहीं नहीं ये करके तो हम बड़ा काम कैसे करेंगे। ये आपने बड़े काम की बात की। अच्छा ये बताइए कि आप पाकिस्तान से हैं और अभी आप कनाडा में, तो आपको लगा कि जगह से भी फर्क पड़ता है कि जितनी मेहनत हम यहाँ करें तो उसका रिवॉर्ड या उसका जो नतीजा है वो उस तरीके से नहीं आता, और वही मेहनत या वही स्किल सेट लेके हम किसी और जगह पे होते हैं और एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है तो आप जिस तरह के रिजल्ट्स चाहते हैं वो आपको जल्दी मिल जाते हैं, या नहीं ये सिर्फ एक इंसान पे डिपेंड करता है, वो कहीं भी हो वो कुछ भी कर सकता है, वो तो खैर है, लेकिन मैं मतलब एनवायरनमेंट की बात कर रही थी। मैं आपकी बात से मतलब ना मुख्तलि यू नो कंप्लीट एग्री कर सकती हूँ ना ही कंप्लीटली डिसएग्री कर सकती हूँ, बिकॉज इसमें क्या है कि डेफिनेटली द एनवायरमेंट एंड द सिस्टम दैट यू आर इन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी कि फॉर बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है और जो एनवायरमेंट होता है आपके गिर्द, इवन द एनवायरमेंट एट योर होम योर फैमिली, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली। यानी कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं और 10 लोग जो है वो आपको वो काम करने नहीं देंगे तो वो आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, आप यू नो आपका आईक्यू लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो जाए। तो दैट इज आर यू नो बिटर ट्रूथ एंड दिस इज अ रियलिटी फॉर आर वुमेन जो कि पाकिस्तान में है। बट हैविंग सेड दैट अगेन हियर कम्स योर एटीट्यूड। अब वही बात है कि आपको इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ता है। अब जैसे यू नो कि आई एम कनेक्टेड वुमेन, तो कनेक्टेड वुमेन स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि जो ख्वातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, यू नो जैसे मेरे भी बच्चे हैं माशाल्लाह, मतलब 3 बच्चे हैं एंड जो मेरी एल्डेस्ट है डॉटर है शी इज गोइंग टू बी 14 और मेरा यंगेस्ट है ही इज जस्ट 5, you know, तो मेरे लिए भी you know there was a time कि it was very difficult for me to go out and work, so I have created a complete environment at my home and I started working from him and I'm working from home since 2015 कोविड के बाद, अभी जैसे last 2 years में हुआ, मगर मैं 2015 से work from home कर रही हूँ and that's how why I have started Connected Women in 2018 कि to support women कि किस तरह से आप अपने घर पे होते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए विद योर लिमिटेड रिसोर्सेज, जो 1 घंटा 2 घंटा आपको मिल रहा है, हाउ यू कैन बिकम टैक्स सेवी, किस तरह से आपकी स्किल्स आपको डेवलप करनी है कि अपने घर पे रहते हुए भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, एक चीज। और दूसरी बात यह कि इट्स नॉट अबाउट ओनली बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हो सकता है बहुत सी ख्वातीन को जरूरत ना हो, बट हाउ यू कैन यूज योर टैलेंट एंड स्किल्स, और आप भी अपने आप के लिए यू नो सेल्फ अचीवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप कैसे कर सकें। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड करेंटली वुमेन, और इसीलिए हम यू नो खातीन स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम स्किल बिल्डिंग करते हैं, टैक्स सेवी बनाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है इट्स नॉट वुमेन फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली भी नहीं है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो आई हैव अ वेरी यू नो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारी फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता था, मगर आई हैड द सपोर्ट द काइंड ऑफ सपोर्ट कि जो भी मैं करना चाहती थी मुझे कभी रोका नहीं गया, कभी मेरी यू नो एबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाए गए कि तुम ये नहीं कर सकती, ये कैसे करोगी, ये क्या होगा। जो भी मैं करना चाहती थी अगर उनको समझ नहीं भी आ रहा था फिर भी दे हैव सपोर्टेड मी, एंड सेम हैपेंड आफ्टर मैरिज कि माय हस्बैंड वाज देयर टू सपोर्ट मी, एंड जैसे कि यू नो 3 बच्चे माशाल्लाह से मेरे हैं, और आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया अलोन, आई हैव बीन टू कनाडा अलोन, कनाडा की जर्नी भी यहाँ के मैंने अकेले स्टार्ट की एंड माय हस्बैंड वाज देयर टू लुक आफ्टर माय किड्स, और अगर वो नहीं करते तो आई थिंक ये सब पॉसिबल नहीं होता। यस एनवायरमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हूएवर यू आर। कोई बंदा भी अकेला आइसोलेशन के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, यू नीड टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू एंड द राइट एनवायरमेंट एज वेल। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और काफ़ी डिसेबल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ऐसा होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, तो वो भी परेशान नहीं हो, बस थोड़ा सा जो है ना
क्या कहते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है उस मकाम पे पहुंचने पे, लेकिन जिस तरह तहमीना ने कहा कि सबसे पहले जो है ना आपका अपना जो स्किल सेट है और आपकी अपनी मेहनत और लगन जो है ना वो बहुत मैटर करती है, तो आप एक डिसेबलिंग एनवायरनमेंट को भी यू नो इनेबल्ड एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुआं जो है खुद चलकर तो नहीं आ सकता ना प्यासे के पास, आपको जाना तो पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि आप तो जो बात कर रही हैं और जो हम सुन रहे हैं वो तो है कि बहुत मेहनत और एक लगन और कंसिस्टेंसी की बात की, लेकिन जो आपके बैकग्राउंड में जो है ना वो तो इंस्टा, सब कहेंगे लो हमें तो ये कह रही है कि मेहनत करो और इनका इंस्टा क्या है, तो ये जरा इंस्टा की कहानी तो सुनाएं, ये आपका जो है बिजनेस और ये आपकी ब्रांड जो है यहाँ तक कैसे पहुंची, कुछ इसके बारे में बताइए। इंस्टा की भी स्टोरी बिल्कुल इसी तरह से है, मी एंड माय हस्बैंड स्टार्टेड इट इन 2011 और हमने बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट किया था कि वी वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट कैन, क्योंकि हम दोनों उससे पहले सर्विस इंडस्ट्री में थे माशाल्लाह, एंड वी बोथ आर सेल्फ मेड और हमने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए और सर यहाँ तक पहुंचे, तो हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे जो कि यू नो इट हैज सम टैंजिबल प्रोडक्ट जो कि यू नो आगे बढ़ भी सके, प्रोडक्ट वो इसको जिसको हम स्केल अप कर सकें, एट द सेम टाइम इट कैन एड वैल्यू टू आर कंज्यूमर्स लाइफ, यानी जो भी हमारी प्रोडक्ट को यूज करे वो उसकी लाइफ के अंदर उसकी यू नो जो भी उसका मतलब यानी कि इट कैन एड वैल्यू टू देयर लाइव्स, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अबाउट यू नो वी स्टार्टेड इंस्टा। और इंस्टा फूड्स जो भी है जो भी था तो द नेम ड्राइव फ्रॉम इंस्टेंट फूड, उस वक्त 2011 2010 में इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था, इंस्टा फूड्स उस वक्त नहीं था, सो इट ड्राइव फ्रॉम इंस्टेंट फूड। और उस वक्त भी जब यू नो व्हेन वी स्टार्टेड तो वी वांटेड टू create a global brand, हमने बड़ा टाइम लगाया नाम पे लोगों पे हर चीज पे, एंड वी स्टार्टेड एज अ बी टू बी कंपनी और हमने डिहाइड्रेशन स्टार्ट किया, डिहाइड्रेशन की तरफ भी यू नो वी जस्ट केम टू एक्सीडेंटली इन अ सेंस कि वी वर लुकिंग फॉर फूड ऑप्शन हमने, मगर अगेन वी डिड नॉट होमवर्क, जैसे वो अचानक वाली चीज थी ना तो कुछ भी अचानक से नहीं होता, हमने रिसर्च की कि कौन से बिजनेसेस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ग्रो कर सकते हैं एंड देर इज अ मार्केट गैप जहां पे आप यू नो इंटरवीन कर सकते हैं, आप एंटर हो सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर और कल को ग्रो कर सकते हैं, तो हमने प्रॉपर रिसर्च की इसमें डाल। और एक और चीज मैं बात करूंगी यहाँ पे लोगों के लिए ना कि जो कि अगेन टेकिंग द इनिशिएटिव एंड कैप्चरिंग द अपॉर्चुनिटीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही बात जैसे आपने की ना कि कुआं चल के नहीं आएगा, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा और वो जो कुआं है उसको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, तो उसी के बाद फिर कोई बात आगे बढ़ेगी, उससे पहले कि आप बैठे रहे और सोचते रहे कि मतलब यू नो आइडियाज तो हर शख्स को हजारों आते हैं मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ यू एग्जीक्यूट दैट आइडिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यू नो हम सब बैठे होते हैं अभी भी जैसे कि ना इतने सारे आइडियाज आ रहे होते हैं और हर यू नो सब स्टार्टअप बूम है तो लगता है कि यू नो हर आइडिया पे एक स्टार्टअप खड़ा हो सकता है, मगर ये कि उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं और यू नो फिनिशिंग उसकी कैसे करते हैं अपने आइडिया की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जी हमने फिर 2011 में इंस्टा स्टार्ट किया और मजे की बात ये कि जो हमने सारी रिसर्च की और सब कुछ किया तो जो प्रोडक्ट सेट हमने डिजाइन किया प्लान किया कि हम जी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री से तो हमने स्टार्ट करना ही था, बट द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव डिसाइडेड वाज पोटैटो पाउडर, ये जी हम पोटैटो पाउडर बनाएंगे उसकी बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल में, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा है एंड वी विल स्टार्ट दैट, और हम ये करेंगे तो वो करेंगे, जैसे यू नो आप सारे जब एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हाउ यू प्लान थिंग्स, तो हमने सारा कुछ किया रिसर्च की, वी गेट द सर्टिफिकेशंस, एवरीथिंग वाज इन प्लेस, इंडस्ट्री मतलब यू नो छोटी सी फैक्ट्री से स्टार्ट किया, मशीनरी लगाई एंड यू नो सैंपल्स बनाए, मैं आपको फेलियर वाली बात बता रही हूँ, फेलियर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिर क्या हुआ कि पोटैटो पाउडर बनाया, तो जब पोटैटो पाउडर बना जब फाइनल प्रोडक्ट आई सैंपल्स हमने भेजे तो पता चला कि जो हमारे यहाँ का जो पोटैटो है जो उसकी केमिकल और जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज नॉट सूटेबल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू नो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, जैसे होता है ना कि आपकी जो एट्रीब्यूट्स है करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं है क्योंकि उसमें शुगर कॉन्टेंट बहुत ज्यादा है तो एंड प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता, सो यू नो द फर्स्ट आइडिया फेल्ड, बट अगेन के आपको हार नहीं माननी है,
सो क्योंकि हम ऑलरेडी रिसर्च कर चुके थे, सब कुछ हो चुका था डिहाइड्रेटेड, तो हमने अपनी प्रोडक्ट सेट चेंज कर लिया एंड वी गॉट इनटू अदर एक्सपेरिमेंट्स. और फिर हमने यू नो स्टार्टेड विद गार्लिक पाउडर एंड मेनी अदर पाउडर्स, डिहाइड्रेट किए हमने वेजिटेबल फूड्स वगैरह. और फिर हमने यू नो वी उसी दौरान वी इनोवेटेड आवर ओन प्रोडक्ट एज अ ग्रीन चिली पाउडर, जो कि फर्स्ट टाइम हमने बनाई. और सबसे बड़ी हमारी जो इस सारे ट्रायल एरर के बेसिस में हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, और यू नो वी क्रिएट मेनी यू नो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो कि पहले किसी ने नहीं की थी यहाँ पे. सो यानी कि वो कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है और हर हार जो है वो आपके लिए जीत की तरफ एक कदम होता है. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. और फिर हम अगेन आई टुक द इनिशिएटिव, आई स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग ऑल द यू नो बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. लोग टाइम नहीं देते थे, कोल्ड कॉलिंग, वी डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस. आई जस्ट गूगल वाज माय बेस्ट फ्रेंड, स्टिल इज माय बेस्ट फ्रेंड. सो यू नो फाइंडिंग के कौन लोग हैं, कहाँ पे हैं, हु इज द राइट पर्सन टू कॉन्टेक्ट, कोल्ड कॉलिंग करके, ईमेलिंग करके, सेंडिंग द सैंपल्स, एंड यू नो अच्छी तरह से मेहनत करके, टेकिंग द इनिशिएटिव. विद इन वन ईयर ऑफ आवर यू नो इंसेप्शन वी गॉट वेरी गुड बिग ऑर्डर्स फ्रॉम बिग फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से उनके हम पैनल के ऊपर आ गए एंड यू माशाल्लाह वी वर स्टार्टिंग यू नो वी वर डूइंग वेरी गुड. एंड फिर 20 यू नो फिर वही, बट व्हाट वी डू यू नो हमने अपनी इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन खत्म नहीं की, हम बी टू बी करते रहे. और फिर आपको पता है ना कि जब आप एक काम शुरू करते हैं फिर उसमें आपको शौक होता है कि आपकी आइडेंटिटी भी हो. तो फिर ये कि 2015 में वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर ओन ब्रांड, मगर ये कि फिर यू नो certain issues और ये कि being a woman I had my son, तो फिर ये कि थोड़ा सा gap आया. फिर 2018 के अंदर we have launched our brand and 2018 में ही I have got an opportunity and I was selected for a course in Australia. तो फिर मैं Australia गई and I did my case study there on my business के कहाँ से हम export कर सकते हैं, क्योंकि at this brand launch करने के साथ साथ we wanted कि we should start exporting. तो फिर पता चला कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, यू नीड अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं, बट स्टिल फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आपको यू नो सर्टिफाई करवाना पड़ेगा एंड बीइंग एन एसएमई तो इट्स वेरी कॉस्टली. सो फिर डिसाइड किया कि जी हम ये करते हैं कि वी शुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस कि हम अपनी एक्सपेंशन करें, बजाय इसके कि हम यू नो डायरेक्टली एक्सपोर्ट करें, वी शुड हैव अ एंटिटी समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. We have two options, Australia and Canada. तो फिर अगेन रिसर्च की कि कैनेडा में क्या ऑप्शन हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या ऑप्शन हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कहाँ पे जाएंगे तो क्या बेहतर होगा, कहाँ पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा. एंड वी सिलेक्टेड कैनेडा. और कैनेडा का प्रोसेस भी तकरीबन कोई 3 साल का हुआ. और बिफोर डूइंग एनी थिंग आई डिड माई रिसर्च एंड आई अप्लाई फॉर एन एग्जीबिशन हेयर इन कैनेडा एंड आई केम अलोन माई हजबेंड, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक आ सकता, बच्चे छोटे थे, बच्चों का वीजा नहीं लगा, यू नो जो तो सारे बैरियर्स जो हैं आपने वो क्रॉस किए. और सबसे अच्छी बात, वैसे तो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा मेरे दिल को बिल्कुल ठक करके लगी कि देखे लोग जो है ना अपनी पहले सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को, लेकिन आपने फेलियर का बताया. क्योंकि जब तक बिजनेस में फेलियर का सहने का हौसला नहीं होगा, बाकी सफर तो खैर रहने ही दें. और ये हर रोज की तगदौ है. और आप देखें कि इतनी ज्यादा रिसर्च के बावजूद भी कोई ना कोई धचका जरूर लग सकता है. सो हैट्स ऑफ टू यू. और आप तो मुझसे बहुत यंगर हैं और आप कह रही हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके जमाने में कोई मिला था. सोचा कि मेरे जमाने में तो फिर कहते थे क्या तुम फ्रेंच बोल रही हो और ये क्या चीज है. तो अच्छा लग रहा है कि इट्स वेरी मच इन वोक, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है कि तो वो आप लाइंस बड़ी ब्लर्ड हो गई है ना, कि अगर आपका जो मॉडल है वो बूट स्ट्रैपिंग का मॉडल है, यू नो सेल्फ मेड लोग हैं तो वो बिलियंस लोग इनहेरिट कर रहे हैं या मिलियंस कर रहे हैं, करेंसी नहीं बता रही, या किसी ने डोनेशन दे दी या पिच अच्छी कर ली, तो मुझे लगता है कि वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तो कम अज कम नहीं है. बहुत से लोग मुझसे खफा हो गए, लेकिन बहरहाल अपना अपना नजरिया होता है. लेकिन बहरहाल जिसमें भी दिल लगता है वो एक तामीरी एक्टिविटी है तो जरूर करें. और यू आर अ ब्रांड. और मुझे एक और बात जो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने तहमीना को इनवाइट किया कि आप जरूर हमारे इस कैफे काम के फोरम पे आएं और हाउ टू में बताएं सक्सेस की रेसिपीज, वो ये थी
कि मैंने देखा कि ये दूसरी औरतों की भी बहुत हेल्प करती है, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो अक्सर लोग जो खुद कामयाब होते हैं तो वो लगता है कि अपनी कामयाबी को सीने से लगा लेते हैं, बस हम हैं और हम हैं, और दूसरे से कहते हैं भाई बहुत मुश्किल काम है, तुम लोग नहीं कर सकते, यानी वो डीमोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, चाहे वो ना भी लिखें अपने बायो में। तो आपकी मुझे ये बात जो है ना सबसे अच्छी लगी, चूंकि मैं बिल्कुल सही बात करूंगी कि बहुत सारी खवातीन हैं बहुत अकम्प्लिश्ड हैं, लेकिन ऐसी खवातीन बहुत कम हैं जो बियॉन्ड हैशटैग सिस्टरहुड वुमेन सपोर्टिंग वुमेन एक्चुअली औरतों को सपोर्ट करती हैं, चूंकि ये बड़े दिल गुर्दे का काम होता है, बड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है, धोखा भी मिलता है, कोई दूसरा आपसे आगे भी निकलता है, निकल सकता है, हक भी है, बिट्रेल भी है, मतलब बहुत कुछ है। फिर अपना टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा टाइम है, वो एनर्जी, वो रिसोर्स जो है, टाइम का रिसोर्स आप दे रहे होते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू तहमीना। और कोई बताएं बात, जो यंग लोग हैं जो बस सिर्फ सक्सेस को देखते हैं और जिसके पीछे जो मेहनत मुशक्कत नाकामियां और आहें सिसकी हैं उनको नहीं देखते, तो क्या पैगाम है आपका? मैं आपकी ये बात अभी आप कर रही थी, मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि देखिए अनफॉर्चुनेटली जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि वो लोग समझते हैं कि हम अपने सीक्रेट शेयर करेंगे तो जो कोई हमें से आगे बढ़ जाएगा। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बिलीव है वो ये है कि देखिए जो रिस्क आपकी किस्मत में है ना वो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले। और कोई ये मोटिवेशनल लाइन नहीं है या कोई ये यू नो कुछ कोई हैशटैग नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। ये हम लोग सब जो दुनिया में आए हम सब ने एक ना एक दिन जाना है, ठीक है, और फिर कर्मा हैपेंस तो वो यही चीज है। तो मैं तो ऑनेस्टली सब मुझे बड़ा ये कह रहे थे जी बड़ी अच्छी बात है, तो मैं तो ये कहती हूँ जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब आई एम वेरी वेरी सेल्फिश, जो मैं जो भी करती हूँ मैं किसी के साथ अच्छा ही करती हूँ, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि मुझे पता है कि आज जो मैं दे रही हूँ कल वही मुझे मिलेगा वापस। तो अगर मैं पॉजिटिव चीजें और पॉजिटिव दे रही हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ दूसरों से, तो कल को वो ही चीज मुझे वापस मिलेगी। इट हैज बीन हैपनिंग एंड दिस इज द मंत्रा ऑफ माय लाइफ कि आज मैं जहां पे हूं मैं अकेली अपनी अकल से या अपनी मेहनत से नहीं, देर आर सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत है, और उसके बाद पूरे यू नो जिस तरह होता है ना कि यू नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, इसी तरह यू नीड अ कम्युनिटी टू यू नो टू बिल्ड अ बिजनेस और टू गेट अ स्टार्टअप सक्सेसफुल, उसके बगैर हो नहीं सकता। अगर मैं ये कहूँ कि जो कुछ भी है वो मैं अकेले कर दिया तो इट्स नॉट, मतलब ये कहने को बात होगी, ये हकीकत नहीं है। तो ऐसे ही है कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया भी इसी तरह से है कि मतलब हम जो दुनिया में आए तो वो कोई बंदा अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं, और इसी तरह से ये है। और जो आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करती हैं, तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी तो उस वक्त इतना ज्यादा ना फैसिलिटीज थी ना अपॉर्चुनिटीज थी, ना ही हम लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड थे जैसे कि आज हम लोग कनेक्टेड हैं। तो देयर वाज अ टाइम कि आप बहुत आइसोलेटेड फील करती, मतलब मैं बहुत आइसोलेटेड फील करती थी, समझ नहीं आता था किससे बात करूं किससे शेयर करूं। तो जो लोग भी ये देख रहे हैं या जो लोग भी आज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या चाहे वो खवातीन हो चाहे वो हजरात हो, तो मैं सबको यही कहूंगी कि आपकी सक्सेस जो है ना वो आप अकेले पे डिपेंड नहीं करती, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि हाउ ओपन यू आर टू लर्न एंड टू गिव। तो वो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कि आप एक कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा आपकी तरफ, तो वही चीज है कि आज आप किसी को एक चीज देंगे सो यू नेवर नो कि आपको इन रिटर्न किसी और से क्या चीज मिल रही है। यू ड्रीम फॉर समथिंग स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। तो दिस इज यू नो दिस इज माई लाइफ और दिस इज माई एडवाइस फॉर एवरीवन। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। जाहिर है इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैं भी आपकी हम ख्याल हूँ और कैफे काम का तो मिशन स्टेटमेंट ही यही है, वर्किंग टुगेदर वर्क्स। बहुत अच्छा लगा और इस सफ़र में मैं भी आपके साथ हूँ, हमारी बहुत सी बहनें दोस्तें आर्टिसंस एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे साथ हैं और काफिला बढ़ता जाएगा। इंस्पायर करती रहिए, अपने कारोबार को वसत देती रहिए, मज़ीद आपकी तरफ से हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का इंतज़ार रहेगा। और एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कैफे काम की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, हेलो। कैफे काम के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।